लेकिन कुछ और अहम खबरें हैं उनका रुख कर लेते हैं। अगली खबर है नंदन डेनिम के संदर्भ में, कंपनी के शेयर्स प्लेच किए हैं प्रमोटर ने, पर्पस क्या है इसके पीछे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नंदन डेनिम से संजय अग्रवाल मौजूद है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मकसद क्या है जो आपने शेयर्स प्लेच किए हैं उसके पीछे। अभी एक्चुअली हमारा पहले 70% टोटल प्रमोटर इक्विटी का प्लेस था 2-3 साल पहले। अभी हम लोगों ने 50% शेयर्स के उसमें से फ्री करवा लिए हैं, आज की तारीख में 38% है। और जो मकसद जो हमारा था बेसिकली हमारे ग्रुप कंपनी के अंदर जो इनिशियल स्टेज पे हमारे जो प्रोजेक्ट इनिशिएट हुए थे तो उसमें कुछ बैंकों के पर्पज से हमको इनिशियली करने पड़े थे टू गिव द कम्फर्ट टू द बैंक, उस पर्पज से किए थे। लेकिन धीरे धीरे परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के हिसाब से अभी बैंक भी कंफर्टेबल है और कई लोन रिपेड भी हो चुके हैं, तो अभी हमारा 50% हो गया है, अभी 38% पे है। तो लगता है आने तीन चार महीनों के अंदर हमको लगता है कि सारे प्लेज फ्री हो जाएगा, हमारे जो प्लेज है वो सारे जीरो हो जाएंगे जी। और उसमें कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है। नंदन डेनिम का भी आप देखेंगे तो लास्ट 5 सालों के अंदर 25% सीएजीआर से टर्नओवर बढ़ा है जो 1100 करोड़ पे था, और इबिटा मार्जिन भी लगभग 25% सीएजीआर से बड़ा है जो 155 करोड़ के करीब था, और पेट मार्जिन भी लगभग 30% के करीब लास्ट 5 सालों के अंदर 30% सीएजीआर से बड़ा है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफी बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में लगता है कि काफी परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला जी, है। मिस्टर अग्रवाल, आपसे आपने जैसे कहा कि परफॉर्मेंस लगातार सुधार उसमें देखने को मिला है, कैश फ्लो पोजिशन को लेकर किस तरह का इम्प्रूवमेंट आप पिछले कुछ क्वार्टर्स में आपने देखा है? केस में भी काफी सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हुआ है हमारा, क्योंकि परफॉर्मेंस होने से अल्टीमेटली हमारा डेप्रिसिएशन भी बढ़ा हो और कैश प्लस सरप्लस भी काफी बढ़ा है। तो आज की तारीख में जो हमारे एक्सपांशन हो रहे हैं उसमें कल जो प्रमोटर आज की तारीख में कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो भी हमारे इंटरनल कैश अक्रुअल से हम लोग मीट कर पा रहे हैं, तो कंपनी कैश पोजिशन काफी अच्छी है। और उसके पीछे ये है कि कंपनी की ऑर्डर बुक पोजिशन भी काफी अच्छी है, 300 करोड़ का अभी कंपनी को ऑर्डर मिले हुए हैं और आने वाले टाइम में एनी टाइम कंपनी के पास 200 करोड़ के ऑर्डर इन हैंड रहेंगे। तो ये सारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है और कंपनी अभी ऑलरेडी ऑर्डर बुक एज यू जस्ट मेंशन, अभी करंट ऑर्डर बुक कितनी है और आपने जैसे कहा कुछ एक्सपेक्टेड कर रहे हैं आप ऑर्डर्स, तो पाइपलाइन में किस तरह के ऑर्डर्स? 300 करोड़ का है, 300 करोड़ का हमारे पास ऑलरेडी एज ऑन ऑर्डर बुक पोजिशन है। और इसमें हमारे पास क्या है कि एनी टाइम पे 200 करोड़ का आने वाले टाइम में रहने वाली है हमारे। Alright. और अभी हमारे एक्चुअली एक्सपांशन भी चल रहा है, अभी एक्सपांशन में हमारा 612 करोड़ का टोटल एक्सपांशन है और उसमें से अभी 300 करोड़ का हम लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, उसके हमको बेनिफिट भी मिलने लगे हैं। और आने वाला एक्सपांशन हम लगते हैं मार्च 2016 तक हमारा सारा इम्प्लीमेंटेशन कम्प्लीट हो जाएगा, और जिसमें मोस्टली हमारा जो एक्सपांशन होना है अभी वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होना है और अपने ये वैल्यू एडिशन वाला होना है। तो अभी हमारे 5 सालों में देखेंगे तो रियलाइजेशन भी काफी इम्प्रूव हुआ है, अभी हम लोग 35 रुपीज पर मीटर की उसपे रेंज पे आ गए हैं, जो आने वाले टाइम में फर्दर काफी इम्प्रूवमेंट होने वाला है जी। तो इसमें लग रहा है कि कंपनी की पोजीशन काफी इम्प्रूव रहेगी जी। शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल कीमती समय देने के लिए। नंदन डेनिम के संदर्भ में उन्होंने अब बताया भी कि गिरवी जो रखे थे वो किस कारण से उन्होंने प्लेच किए थे और साथ ही कैश फ्लो पोजीशन भी सुधरी है। फिलहाल जो करंट ऑर्डर बुक है 300 करोड़ के आसपास है, फिलहाल लगभग 1.25% नीचे नंदन डेनिम का शेयर काम करते हुए। लेकिन अब रुक करते हैं जी बिजनेस की।